तथाकथित समाजसेवी मॉरिस भाई रेप और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार। मुंबई के बोरिवली पश्चिम आईसी कॉलोनी के तथाकथित समाजसेवी मॉरिस नरोना उर्फ मॉरिस भाई को एमएजी पुलिस ने रेप और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़िता से 88 लाख की ठगी की गई और उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म भी किया गया। यही नहीं, फिरियादी के वकील गौरव चौबे ने यह भी आरोप लगाया कि फिरियादी का अभद्र वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। इसके अलावा फिरियादी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी मिली है, जिसके बाद परिवार के साथ लोगों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला दर्ज होने के बाद तथाकथित समाजसेवी मॉरिस नरोना विदेश फरार हो गया, जिसके बाद कल पुलिस ने एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तारी के बाद जांच कर रही है कि और इसने कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। यही नहीं, कोर्ट में पेशी के दौरान मॉरिस नरोना और मॉरिस भाई के गुर्गे पत्रकारों को धमकी देते नजर आए। इस मामले में फिरियादी के वकील का मेरे नरोना उर्फ मॉरिस भाई के ऊपर क्या क्या आरोप लगाया है, आइए पूरी जानकारी सुनते हैं। मेरी रिपोर्ट, समय नेशनल, मुंबई। रिपोर्ट मिला गया क्या कुछ सामने से देखिए। तथाकथित सोशल वर्कर मॉरिस नरोना, ये एक नंबर का चीटर है, रेपिस्ट है। इसने एक मासूम महिला को 88 लाख रुपीस का चूना लगाया, उसके हस्बैंड को चूना लगाया। पीड़िता और उनके हस्बैंड ने जब इससे पैसा मांगना शुरू किया, इसने उनका यौन उत्पीड़न शुरू कर दिया। डरा धमका के, दाऊद का धमकी देके बोला कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, वीडियो क्लिक कर लिए मैडम के, और बोला ऐसा मैं कई और के साथ कर चुका हूँ, जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ कई औरों के साथ कर चुका हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैडम डर गई, अपनी पीड़िता डर गई, तो उसने ये बात डिस्क्लोज नहीं की। ये अक्यूज्ड में इतना हिम्मत है, ये बोलता है मैं पुलिस किसी से डरता नहीं। हमारी पुलिस से उपेक्षा है कि फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो। इसमें और भी कई औरतों का नाम आएगा, जैसा कि मॉरिस ने हमारी पीड़िता को धमकी दी थी। हमारी पीड़िता को थोड़ा जीवन का भय है, आप लोग थोड़ा बात फैलाइए ताकि उनको पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मिले। वकील साहब, सबसे बड़ी बात, पुलिस कस्टडी दिया गया है, 27 तारीख को वापस हम पुलिस एक्सटेंड कराने का प्रयत्न करेंगे, अगर पुलिस कुछ रिकवर कर पाए तो। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद को अपने आप को जॉन दाऊद का आदमी बोलता है। बिल्कुल, इसका बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, होना चाहिए, इसीलिए तो हम उपेक्षा कर रहे हैं कि पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करे। अब हम फरियादी के, अब पीड़िता के वकील हैं, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। पूरा सरकारी महकमे के हाथ में सब कुछ है, सरकारी वकील जैसा चाहे वैसा आर्ग्यू करे, सरकारी वकील जैसा चाहे वैसा मैटर इन्वेस्टिगेट करे। कौन सी धाराओं के अंतर्गत मामला, क्या क्या मामला हुआ है? ऑफेंस उन पे 88 लाख का चीटिंग का है, जो 406, 409, 420 और वीडियो, अभद्र वीडियो क्लिक करने का जो ऑफेंस लगता है 354 सादा, 354 सी बी, और मेन ऑफेंस 376 और जान से मारने की धमकी जो उनको और उनके हस्बैंड को दी गई थी 506। पीड़िता और जो आरोपी है क्या एक दूसरे को पहले से जानते थे? बिल्कुल जानते थे, ये लोग एक ही जिम जाया करते थे, वहाँ से इसने इनको स्टॉक किया। इसने जाना कि ये लोग की कोई प्रॉपर्टी बिकने वाली है, वो प्रॉपर्टी की बात से इसने बात आगे बढ़ाई। अभी सब इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, जैसे और चीज़ क्लियर होती है वो तो आपको पता चली जाए। फिलहाल कोई दलीलें सरकारी वकील द्वारा दीजिए? सरकारी वकील द्वारा उन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम किया, उन्होंने सारी दलीलें कोर्ट के सामने स्पष्ट की कि इनसे रिकवरी होनी बाकी है। कोई भी वीडियो, कोई भी पिक्चर रिकवर नहीं हुआ है आरोपी से। आरोपी बहुत चालाक है, पीड़िता को जीवन का भय है, ये बहुत ही चालाक आरोपी है। आपने कहा वीडियो क्लिक किया, क्या साइबर के तहत भी मामला दर्ज हुआ? फिलहाल साइबर के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस जब कोई वीडियो रिकवर कर पाएगी तो वो धाराएं पुलिस ऐड कर सकती है, उसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं हो सकता। सर, जानकारी ये भी कि मुंबई के करीब 20,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा तो इसने अपने आप को भाई बताकर, ये सब उस पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। थैंक यू।